तो गाइस स्वागत है आप सबका जावेद अल ब्लॉग चैनल में। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं महानंदा का मुआयना करने के लिए। हम लोग के साथ बने रहिए और दिखाएंगे महानंदा का पूरा नज़ारा आप सबको। हाँ तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत दूर दूर से मक्का का खेती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए ये जावेद भाई है, ये रियाज भाई है, हम लोग निकल चुके हैं महानंदा की तरफ। जाते हैं, देखते हैं, अब फिर आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है नहीं है। देखिए दोस्तों ये दोनों भाई मोबाइल चलाने में व्यस्त, क्या कर रहे हो खुर्शीद भाई? अबे भाई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। क्यों भाई, पैसे कमाने का ज्यादा चस्का लग गया है क्या भाई? पेट के लिए तो पापी, पेट के लिए कुछ। रियाज तुम्हारा शादी का क्या हुआ भाई? क्या शादी का? हाँ बुरा हाल है। बोलो घर वाले से बात करें हम क्या? लेकिन ना कोई। क्यों कब तक शादी करोगे? बस तो गाइस रियाज भाई के लिए दुआ करें कि रियाज भाई का शादी जल्दी से हो जाए। देख सकते हैं गाइस ये हम लोग का रास्ता है महानंदा जाने का। वफा ने बेवफाई बेवफाई की है। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग अभी निकल चुके हैं, अभी जा ही रहे हैं, बहुत दूर है महानंदा। अब देखते हैं क्या होता है। बाप रे इतना इतना सारा मक्का, अभी तो जा पा रहे हैं, कुछ दिन बाद शायद जा भी नहीं पाएंगे इधर से, क्योंकि पूरा मक्का भर जाएगा, उतना हिम्मत नहीं होगा कि हम लोग आ सके अकेले। हाँ देखो यही चैनल इसी का है, जावेद ब्लॉगर, देखते हैं कहाँ तक जा पाता है बेचारा। ओ जावेद भाई, ओ जावेद भाई कहाँ जा रहे? भैया के पास क्या करने? पूछने के लिए कि खेती कैसे होता है, हमको भी खेती करना है ना। हाँ तो जावेद भाई क्या पूछना चाह रहे थे भाई को? भाई इसको पूछेंगे, हम भी खेती करना चाहते हैं ना, पूछेंगे इसको कि कितना खर्चा पड़ता है। हाँ खर्चा करोगे एक बीघा? अभी तो 15,000 है। 15,000 फायदा? फायदा क्या होगा ऊपर वाला जाने। टोटल आप कितना खेती किए हैं? टोटल 17-18 बीघा में आपका टोटल कितना खर्चा आएगा? टोटल ना 4 लाख। 4 लाख तो कमाई भी तो होगा आपका 12 लाख? नहीं 12 लाख 12 लाख नहीं होगा। 12 लाख होता तो बस। तो फिर बोले ना एरोप्लेन निकालते हैं आप? नहीं भाई जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं होता है जावेद भाई, जितना आप सोच रहे हैं शायद आप गांव के नहीं हैं। ये बेचारा खेती करता है, इसको पता है, लेकिन हम खेती नहीं करते। नहीं तो ये खेती करता है, इसको पता है कि मतलब कितना खर्चा होता है। हो सकता है कुछ हो जाए मुनाफा, लेकिन अगर ऊपर वाला चाहे तब, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इस बार खर्चा बहुत हुआ है मक्का में, देख सकते हैं भाई। में हमको लगता है यही फायदा कि पैसा मतलब धीरे धीरे लगता है और उस टाइम एक ही साथ आता है, बस यही एक तो फायदा नजर आता है। बस यही है, तो हम लोग के लिए तो कोई फायदा नहीं है आप लोग, क्योंकि हम लोग जो पैसा लगाते हैं कोई कमा के नहीं लगाते हैं, इधर उधर का नहीं लगाते हैं, जो खेती किए थे उसी का पैसे से खेती कर रहे हैं। अच्छा जो कमा के कर रहा है ना उसके लिए फायदा है। खेती के लिए भी नॉलेज होना चाहिए, टाइम पे कब सार लगेगा, कौन सा कब क्या लगेगा, हर आदमी के लिए खेती करना बस की बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ने सुना क्या भाई का हाल क्या है? अभी भाई का हाल बहुत बुरा है, अब जाने ऊपर वाला जाने क्या होगा नहीं होगा, नसीब में क्या है। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महानंदा की तरफ, देखते हैं वहाँ नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं फिर। फाइनली गाइज हम लोग महानंदा पहुंच चुके हैं और मेरा खुर्शीद भाई आगे आगे हैं। वीडियो थोड़ा साफ नहीं आ रहा भाई, धूप है, क्या करें, आप लोगों के खातिर आना पड़ता है धूप में ब्लॉग बनाने के लिए। फाइनली पहुंच चुके हैं महानंदा, देखिए महानंदा का नज़ारा। खुर्शीद भाई को चारों तरफ से मच्छर घेर लिया है, ऐसे क्यों कर रहे हो खुर्शीद भाई? अरे यार बहुत कीड़ा है यार। कीड़ा है छोटा छोटा कीड़ा, आपको भाई उठा के लेके नहीं जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे? इधर से बहुत साफ आ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस ये हम लोग का महानंदा है, महलवारी का महानंदा। तरबूज लगाया है? हाँ शायद हो सकता है लगाएगा, अभी नहीं लगाया है।
तो गाइज हम नीचे उतरते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पानी का नजारा। पानी में उतरो तो डर लगता है भाई। तो हम देखिए, मैं खुर्शीद भाई और रियाज भाई ऊपर है, हम नीचे हैं, आपको दिखा रहे हैं पानी का पूरा नजारा। देखिए गाइज, देख सकते। अब जावेद भाई शायद नीचे उतरेंगे, पानी में दिखाएंगे आप लोग को कितना गहरा पानी है। नहीं है, कहाँ जा रहे हो जावेद भाई? हाँ जाओ 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 जाओ। अरे नहीं जा पाओगे, बहुत भरा पानी है, नहीं जा पाओगे भाई। तो गाइस इससे आगे हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि पानी बहुत भरा है और हमको तैरना आता है, बट अभी ठंडी है, जाएंगे नहीं, नहाने का कोई मूड नहीं है। इसलिए दोस्तों देख सकते हैं इससे आगे हम नहीं जा सकते, पानी बहुत बड़ा है। तो गाइस देख सकते हैं भाई, लोग देख सकते हैं आप लोग महानंदा का नजारा, सूरज की किरण पूरा पानी में पड़ता है, देख देख सकते हैं आप लोग, पूरा तबाही तबाही है। ये देख सकते हैं बीच में टापू है, इधर से भी एक थोड़ा सा नाला टाइप है, उधर से पूरा मानंदा है। और देख सकते हैं उधर आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा बहुत दूर वहाँ नाव आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, शायद हमको तो दिखाई पड़ता है, आप लोग को पड़ता है कि नहीं। आज हम लोग जा रहे हैं पुराना कोल के तरफ, हम लोग इसको बोलते हैं पुराना कोल, क्योंकि जब बाढ़ आता है ना चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, लेकिन ओनली वन यही जगह है जहाँ पूरा सूखा रहता है, इतना ऊंचा है। तो आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिए जावेद ऑल ब्लॉग के साथ, दिखाते रहेंगे हम आप लोगों को न्यू अपडेट्स। देखिए गाइस हम जा रहे हैं अभी ऊपर, आपको पूरा दिखाएंगे, यहाँ से ऊपर से पूरा चारों तरफ नज़ारा दिखाएंगे हम आपको। ये खुर्शीद भाई और रियाज भाई जा रहे हैं उधर, हम थोड़ा इधर ऊपर आ गए वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों को। तो गाइस देख सकते हैं आप, चारों तरफ मक्का का खेत ही खेत है। इधर से साफ नहीं आ रहा भाई क्योंकि इधर सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, रियाज भाई और लोग घास काट रहे हैं शायद, इसलिए हम चुपके से दूर से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लेडीज है ना इसलिए दिखा नहीं सकते, इसलिए दूर से बना रहे हैं वीडियो हम। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ आके खुर्शीद भाई और रियाज भाई रुक करके हैं, खुर्शीद खाई में उतर रहे हैं, खाई देख रहे हो दोस्तों कितना खतरनाक रास्ता है, क्या करें, आप लोगों को दिखाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो गाइस देखिए दोस्तों हम लोग इधर से जाएंगे, इधर भी लगाए हो है? दो एक उधर, उधर का तो देख लिए हम। तो देख सकते हैं, गाइस सकते हैं एक मशीन आपको उधर दिखा, ये किधर है, ताकि जल्दी पानी होगा। ये मेरा तौकीर भाई है, देख सकते हैं गाइस कैसे पानी उठाया जाता है, आप लोगों को दिखाते हैं हम। ये इसको बोलता है सेक्शन पाइप, सेक्शन ये जो पाइप है ना ये सेक्शन पाइप है, इसको पानी के नीचे डाला गया है, उसके बाद इसके जरिए पानी उठता है गाइस, देख सकते हैं आप। गाइज हम अपना ब्लॉग का कर रहे हैं ना, आप लोग बताइएगा ज़रूर कौन सा जगह आप लोगों को अच्छा लगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते रहिए जावेद ऑल ब्लॉग्स।